द्रौपदी के लाज राखो तुम बढ़ायो जी, द्रौपदी के लाज राखो तुम बढ़ायो नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़ रही हैं इस देश की जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु पद्म भूषण से सम्मानित बहुत ही सम्माननीय कलाकार सरोजा वैद्यनाथन जी। सरोजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आपके जैसे जब सीनियर आर्टिस्ट हमको सौभाग्य से मिलते हैं बातचीत करने के लिए, तो हम हमेशा उनसे कहते हैं कि अपने बचपन में चलें और कुछ किस्से अपने बचपन के बताएं। तो आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि अब जब अपना बचपन याद करती हैं तो क्या कुछ याद आता है आपको? मुझे तो जैसे मैंने 4 बरस हुई थी तब से मैंने नाचना और गाना, लेकिन मेरा फैमिली तो एकेडमिक ओरिएंटेड फैमिली है, वो लोग तो बहुत सरप्राइज कर रहे थे ये कहाँ से आई है, ये गाना गाना और नाचने डांसने के पीछे में जा रही है। देन आई थॉट यू नो आई वाज गोइंग ऑन डूइंग डांसिंग एंड एवरीथिंग, देन दे थॉट दैट यस इनके इनके पास कुछ है, इनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बच्चे को डिस्करेज नहीं करो, जाने दो, थोड़ा दिन के लिए करेगी उसके बाद पढ़ने लगेगी, उसके बाद स्कूल जाएगी, सब भूल जाएगी, लेकिन दे नेवर थॉट दैट दिस इज गोइंग टू बी माय लाइफ। सो इट वाज अ जर्नी फ्रॉम द एज ऑफ 6, आई नेवर स्टॉप्ड, उसका रोका ही नहीं था, उसी में मैं अभ्यास किया, उसी डांस कर, छोटे में ही मैं गाने गाना डांस और आई एम यू नो आई वॉन्ट टू फ्रॉम माई एंगर एज थोड़ा से हमको इंस्टीट्यूशन चलाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं सब मेरा फ्रेंड्स को गैदर करके सिखाती थी, गाना सिखाती थी और नाच सिखाती थी। मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एंगर एज आई वॉज ए इंस्टीट्यूशन लीडर, इस तरह का मैंने महात्मा गांधी के सामने में भी गाना गाया, हम लोग रघुपति राघव राजा राम
एंड बहुत मैंने इट वाज ए मेमोरेबल मैंने ओकेशन टू मी। आई नेवर रियलाइज उस टाइम में मालूम नहीं था कि मैं महात्मा गांधी के सामने मैं गाना गा रही हूँ, लेकिन बाद में उस टाइम में फोटो नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका जो बैठा हुआ है मन में मेरा एक एक सीन कि कितना हंस करके, महात्मा तो ऐसे बोलते नहीं है सबको, महात्मा तो वो महात्मा थे, इतना तेजस, इतना हंसमुख, कुछ नहीं, एक लंगोटी पहने हुए थे, एक छड़ी रखे थे, बैठे हुए थे, हंस के हम लोग को देख रहे थे, हम लोग 6-7 थे गाने वाले। दिस वॉज अ वेरी मेमोरेबल एंड आई हैड ए चांस टू मीट ऑल द प्रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, दैट्स माई लक, एंड ऑल द महान शंकराचार्य एंड परमाचार्य, सबको, आचार्य सबको मैं मुलाकात हुई, इवन रविशंकर सबको, इतना करीब उनके साथ रहने का, बातचीत करने का सब मौका मिला। एंड ये मैं सोचती कि मेरा लक। अच्छा सरोजिया जी, ये बताइए कि आपके पेरेंट्स, आपने भी अभी कहा कि वो तो एजुकेशनल बैकग्राउंड से थे, दोनों ही लोग लिटरेचर के लिखने वाले लेखक मतलब रहे, कभी आपने सोचा कि आपके अंदर ये नृत्य आया कहाँ से, आपके अंदर से अंदर ये डांस म्यूजिक आया क्या कहाँ से, क्या ये सीधा ऊपर वाले की मर्जी थी कि आप इसके लिए चुनी गई? नहीं, ये दोनों है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार ही एकेडमिक है, IAS में है, IPS में, ब्यूरोक्रेट, इसी तरह इंजीनियर्स, इंजीनियर्स तो बहुत थे इंजीनियर्स, इसलिए वो लोग इसको दे कुड नॉट टेक इट कि एक लड़की यहाँ इस मोहल्ला में, इस फैमिली में गाना गा रही है, नाच रही है, कहीं पर भी नाच होगा तो वहां पर खड़े हो जाती है, भूल जाती है खाना पीना, भूल जाती है, ये तो बहुत ताजुब है। इसलिए वो लोग हमको दबाना चाहते थे पहले कि पढ़ाई करो, पहले अच्छा से पढ़ाई करो, काम करो, ICS बनो, IAS बनो, IPS बनो, ब्यूरो के इंजीनियर बनो, इस तरह का हमको बहुत ब्रेन वॉश किए थे, लेकिन मेरा कुछ भी, कोई नहीं हिला सका मुझे। मैंने छोटे से ही मैं स्कूल में पूरा लीडिंग लीडिंग पार्ट इन डांस एंड म्यूजिक एंड ड्रामा, इसलिए वो लोग कुछ कर नहीं पाते मेरे से, इसलिए मैं छोड़ दिया, मैंने ये ऐसे ही जाएगी बस, इसका तकदीर बहुत खराब है, इसलिए ऐसे ही जा रही है, पढ़ाई नहीं कर रही है ज्यादा, पास हो जाती थी मैं सब में, आई एम ए ग्रेजुएट, तभी भी नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन लिटरेचर और स्टडीज, बट आई रोट अबाउट 4 किताब लिखे डांस के बारे में, म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक सीखा 15 बरस और डांस सीखा, इसी में हमारा पूरा मैंने जिंदगी, फिर मैंने नहीं ये सोचा था कि मैं ये इसका एक इसका जल्दी शादी कर देंगे, लेकिन ये तो बिगड़ जाएगी, क्योंकि ऑफर्स आने लगा, फिल्म फिल्म फेवर से भी ऑफिस ऑफर्स आने लगा, इसलिए बिगड़ जाएगी करके, तो 16.5 में शादी करवा दिया हमको IAS ऑफिसर मिस्टर CR वैद्यनाथन, ये तो बिहार का आर्डर है, बिहार में तो कुछ नहीं होगा, ये जाके अच्छा से रहेगी, सब बंद हो जाएगा इसका, वो लोग ये नहीं सोचे थे कि मेरा पूरा जिंदगी इसी में है। फिर वहां गया, मैंने मेरे हस्बैंड भी ज्यादा इंकरेज नहीं करते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे, ही नेवर रुकावट नहीं करते थे कि नहीं करो करो, तुमको मन होगा तो करो, लेकिन ये देख लो कि अपना इज्जत देख लो, बिकॉज उस टाइम में नाचना गाना वो भी अच्छा परिवार का और अच्छा पोजीशन का औरत लोग नहीं करते थे, इसलिए बदनाम नहीं होना चाहिए तुमको, बहुत लोग बोल रहे थे कि ये तो नाचने ना नाचने लगी, मैं बोला कि नाचने में क्या कमी है, हमारा जो परंपरा है, हमारा नाच गाना है क्लासिकल, 3,000 वर्ष के पहले हो गया, हमारा नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा हुआ है इतना बढ़िया से, ये शास्त्र हम लोग गर्व होना चाहिए, लोग मैंने दुनिया से गर्व होना चाहिए कि हमारा शास्त्र 3,000 वर्ष पहले है,
इस तरह का मैं थोड़ा सा इसको पॉजिटिव साइड दे करके लड़ाई करने लगा, इसलिए सब लोग चुप हो गया, इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, चुप कर दें, जो भी करना है करने दो। लेकिन बिहार में भी बहुत हमको बहुत चांस तो नहीं मिला, लेकिन मैं सबको इकट्ठा किया, सब सिखाया। मैंने एक भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर इसमें यूनिवर्सिटी को एक ऑडिटोरियम बनाया, और वो ऑडिटोरियम सरोजा भवन करके अभी भी है, मेरे मेरे नाम पर है। एंड कुछ कुछ मैं कथक स्कूल, वो तो कथक सिखा रहे थे उस टाइम, भरतनाट्यम नहीं था, लेकिन आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी दैट आई कुड डू समथिंग, मैंने कुछ कर पा। देन पटना आया, मैंने पटना आया, हम लोग पटना से फिर दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद हमको पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला मुझे, उन्हें आगे बढ़ते गया, क्योंकि यहाँ दिल्ली ऐसा शहर है कि कॉस्मोपॉलिटन टाउन है, यहाँ पर समझ लेते हैं मैंने व्हाट इज क्लासिकल डांस, एंड उसी टाइम में समझने लगे। ये नहीं है कि बहुत पॉपुलर, आजकल कैसा नहीं है, आजकल तो इंटरनेशनली नोन आवर क्लासिकल डांस इज सच ए प्राइड, इतना प्राइड है ये करने में भी, लेकिन उस टाइम में उतना नहीं था, उतना नहीं था, लेकिन तभी भी इज्जत तो करते थे, इज्जत करते थे, उसको एक मर्यादा देते थे। मालूम नहीं था कि भरतनाट्यम क्या है, कथक क्या, कथक थोड़ा सा मालूम है, और ओडिसी, ओडिसी तो मालूम ही नहीं था, वो सब क्या है पता नहीं, लेकिन इज्जत देते थे कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं, कुछ है इसमें, हम नहीं सीखेंगे तो देखेंगे कब, तमाशा देखेंगे, ऐसे करके आते थे। लेकिन धीरे धीरे अभी तो इंटरनेशनली हमारा जो कला है बहुत उन्नति, मैंने पीपल प्राउड, इतने स्कूल्स आए, इतने मेरे ही इंस्टीट्यूशंस, मेरे शिष्य के इंस्टीट्यूशन 15 है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत अच्छा चला रहे हैं। सिर्फ इसलिए ये जो हमारा पारंपरिया है, वी शुड गर्व होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि ये क्या नाच है, नहीं ये तो गर्व है। देखिए इसमें काली नाच नहीं है, ये आप गाना गाते हैं, आपका मन का शांत मिलता है, और गाना सुनते हैं और नाचते हैं, आपका योगा का फुल योगा का मुद्रा है, हमारा भरतनाट्यम में कथक में भी पूरा योगा का मुद्रा है, वो आपका हेल्थ हेल्थ देखिए ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू गो टू जिम, और यू डोंट हैव टू गो टू एक्सरसाइज, यू डोंट हैव टू रन, डांस फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर, सब कुछ मिल जाता है, मन का, दिमाग का, सोल का, सब कुछ मिल जाता है आपको, आनंद मिल जाता है, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, सेहत मिल जाता है, हेल्थ मिल जाता है आपको। तो इस तरह का मैं सोचती हूँ कि हम लोग ये जो हमारा आर्ट है, आर्ट को हम लोग गर्व होकर के इसको बढ़ाना चाहिए। अच्छा सरोजा जी, आज तो आपके अपने सैकड़ों शिष्य शिष्याएं हैं जिनको आपने सिखाया है, लेकिन जब आप सीखने गई गुरुओं के पास, तो वो सफर कैसे शुरू हुआ? कैसे आपको पहले गुरु मिले और फिर उन्होंने आपको कैसे तैयार किया, कैसे गढ़ा? अपने गुरुओं को भी याद करिए। हाँ, मेरे गुरु श्रीमती ललितम्मा, ललितम्मा के जो गुरु है काटमनार मुत्तुकुमरन पिल्लई, तंजावुर काटमनार मुत्तुकुमरन पिल्लई, बहुत बड़ा गुरु थे, वहां मेरे गुरु मुझे ले गए थे। मेरे बहुत भाग्य है कि उनके पास 10 10 रोज रहा मैंने गुरु के पास, एक गाना वो सिखाए, वो भी बैठ के सिखाए, मेरे 10 बरस की थी, मैं बैठ के सिखाया कि देखो ठीक से करो, कुट्टी 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 मीन्स बच्चा बच्चा, बोलते हैं मुन्ना बच्चा ऐसे बोलते हैं, ठीक से देखो ठीक से करो, तुम्हारा टीचर लाया है यहाँ पर, अच्छा से करना चाहिए, ठीक है ओके। वो उठते नहीं थे, बैठ के सिखाते थे, उठते नहीं थे, मेरे टीचर तो उठ के नाचते थे, यानी शी वॉज वेरी वेरी वल्नरेबल एंड वेरी कमांडिंग, उनका जो जटी है वो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि नाचने उठ के नाच लेंगे, उतना बढ़िया बोलती है, बोली थी मैंने। शी वॉज शी एस्टैब्लिश्ड हर स्कूल, एस्टैब्लिश्ड हर शी वॉज वेरी गुड इन कोरियोग्राफिंग बैलेट,
ये सब उन्हीं के पास से आया मेरा। जो एवरीबडी सेज यू आर वेरी गुड कोरियोग्राफर, वो उन्हीं के पास से देख देख के उनके पास ही रहती थी मैं। घर, स्कूल, मेरा डांस स्कूल, इसी में रहती थी। उनसे बहुत सीखा मैंने। हम बहुत आभारी हूँ उनको, नेता जी को। अभी भी मेरा जो इंस्टीट्यूशन मेरा कुछ बनाया, गणेश नाट्यालय, उसमें एक मंडप बनाया, एक हॉल स्टेज बनाया, उसको मैं ललिता मंडप उसको नाम रखा है, कि मेरे गुरु का नाम रखा है। छोटा सा है, 100 पीपल बैठ सकते हैं वहां पर, एक परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उसके लिए बनाया। ये सब मैंने गुरु का गुरु, सबका आशीर्वाद, मैंने आशीर्वाद। एंड और एक होता है ना, देखने के तुरंत, ये गुरु लोग तो बहुत बहुत समझदार होते हैं, देखने के तुरंत पता लगता है कि ये करेगी कि नहीं करेगी, ऐसे बोल देते हैं। अरे तुमको नहीं आएगा, चलो 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 भागो यहाँ से, ऐसे बोल देते हैं, भागो यहाँ से, ओड 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 ऐसा बिल्कुल घबराते हैं ऐसे करके। इस तरह का मैंने आशीर्वाद मुझे मिला, ब्लेसिंग्स मिला, बड़े बड़े गुरु सा सबको। मैंने ये भी हमारा ये है कि आईसीसीआर ने मुझे बहुत कंट्रीज भेजा था, उसके अलावा भी मैं अपने से प्राइवेट भी गया, बिकॉज अनदर एडवांटेज, मैं दिल्ली में थी। अगर चेन्नई में होते तो इतना एडवांटेज नहीं होता। दिल्ली में रहते हुए कॉस्मोपोलिटन टाउन, यहाँ पर तो हमारे दिल्ली में तो सब प्रांत के हैं, सब प्रांत के बच्चे लोग हैं, सब प्रांत के सिटीजन्स हैं। इसलिए हमको ये मौका मिला कि सब प्रांत के बच्चे मेरे पास आए, इसलिए मुझे स्टडी करने में भी अच्छा लगा कि ये लड़की को ऐसा सिखाना है, ये लड़की को ऐसा सिखाना है, ये धीरे से सीखेगी, ये जल्दी सीखेगी, ये चंचल है, ये थोड़ा से अच्छा करती है लेकिन धीरे से करती है, ये सब मालूम पड़ जाता है। अगर चेन्नई में रहते तो इतना मालूम नहीं पड़ता है, चेन्नई के ही वो सर्कल होता है, अपने सर्कल होता है। यहाँ दिल्ली आने में हमको इतना अच्छा है बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड पोजिशन, पोस्ट दिल्ली में आना पड़ा, और एक लैंड भी लिया मैंने, एक नाट्यालय भी कर दिया, कंस्ट्रक्ट भी कर दिया है, और अभी तो बच्चे लोग बहुत आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, इंटरनेशनली आते हैं, और इंडियंस अभी भी, आज भी 3 बच्चे एडमिट हुए हैं। मैंने हमारा 15 टीचर्स है, बहुत लगातार इतना बढ़िया चलता है। मुझे यही इच्छा है कि सब लोग आके इसको देखना है, मैंने कैसा चलता है स्कूल, सब ये क्लासेस कैसा चलता है, किस तरह का सिखाते हैं, ये सब एक कला होता है, एक एक एक्सपीरियंस होता है, देखने में भी एक एक्सपीरियंस है कि किस तरह का कोरियोग्राफी होता है, किस तरह का बताते हैं, ग्रुप डांस कैसा होता है, सोलो कैसा होता है, नटुआंगम जैसे कंडक्टिंग कैसा होता है, सब सिखाते हैं, कंडक्टिंग एंड थियरी एंड गाना, इसके साथ साथ गाना पड़ेगा। सब बच्चे को गाना आता है कि नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन शब्द तो मालूम पड़ेगा, ताल, तो बिल्कुल, मुझे सबको। मुझे ये सौभाग्य मिला है। मैं आया हूँ आपके विद्यालय में और मैंने देखा है किस तरह से वहाँ पर बहुत ही समर्पित तरीके से नृत्य और संगीत की साधना की जाती है। सरोजा जी, आपको अपना पहला कार्यक्रम जो बड़े मंच पर हुआ वो याद है क्या? कहाँ था? हाँ, पहले मंच पर हुआ था, मेरे नाना नाना जी वॉज चीफ इंजीनियर, एंड उनका पोस्टिंग हो गया था उदयपुर में, राजस्थान में। वो राजस्थान महाराजा थे, वो उनको स्पेशली बुलाया कि वो जो संबल डैम था वही बनाए, मेरे नाना जी ने बनाया, चंबल डैम करने के लिए उनको बुलाया। उस टाइम में मैं तैयार हो रही थी, तो मैं नाना जी बोले कि मेरे टीचर से, गुरु से आके बोले कि इनको थोड़ा से आधा घंटा के लिए मैं करवा दीजिएगा, एक डांस करवा दीजिए, हम देख के जाना चाहते हैं, बिकॉज एक बार राजस्थान में जाएंगे तो उतना आसान नहीं, बिकॉज आजकल कैसा प्लेन उड़ना उतना नहीं था उतना, मैंने 40 बरस के पहले, इसलिए मैं थोड़ा से ये 1 घंटा के लिए मेरे गुरु ने उन्हीं का
नाट्यालय में, सरस्वती गान निलयम, उन्हीं का एक छोटा सा ऑडिटोरियम है, उसमें 60-70 लोग बैठ सकते हैं। उनको बुला करके एक प्रोग्राम बनवाया, उसके बाद में एक बड़ा प्रोग्राम नरसिंह रंजनी सभा में किया, और वो फिल्म एक्टर थे, विलन थे, रंजन रंजन वो ही चीफ गेस्ट थे। ओ रंजन हमारा डांस दे करके बोला कि ये एक दिन ए स्टार बनेगी। उसी टाइम में मैं 16 ईयर, इनकी बहुत बड़ा स्टार बनेगी, इनके लगन है, बहुत बहुत जोर से लगन है इनके, ऐसे ही आशीर्वाद दिया। तो इट वॉज वेरी गुड। पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथन जी के साथ बातचीत में यहां पर एक ब्रेक ले लेते हैं। कल रात जुड़िएगा एक बार फिर ठीक 10 बजे और देखिएगा इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा, जिसमें यकीन मानिए कि जो आजकल की युवा पीढ़ी नृत्य संगीत या कोई भी वाद्य यंत्र सीख रही है उसके लिए बहुत ही जरूरी और बुनियादी बातें सरोजा जी बताएंगी। तो कल जरूर जुड़िएगा रागगिरी के इस प्लेटफॉर्म पर और सरोजा जी के साथ बातचीत का देखिएगा दूसरा हिस्सा।